हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल गुरुजी में। डिजिटल गुरुजी में अगर हम बात करें तो आज हमारे मैथ्स का जो लेक्चर है वो है 7, और आज इसमें हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम और एससीएफ की। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि एलसीएम एससीएफ इस बार हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एलसीएम एससीएफ से जुड़ी आपकी दिक्कतें सॉल्व करेंगे, तो आज हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर एलसीएम एससीएफ का टॉपिक लेकर। अगर हम बात करें एलसीएम और एससीएफ की, तो एलसीएम एससीएफ होता क्या है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं क्या। तो इन टॉपिक्स को यानी या इन वर्ड्स को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक हो जाता है आपका क्या मल्टीपल क्या है कोई भी नंबर का, और दूसरा हो जाता है कि फैक्टर्स क्या है कोई भी नंबर के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कई कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो बात करें एलसीएम एससीएफ की, आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे ये जो एम लिखा है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये मल्टीपल क्या है। जैसे मैंने लिखा 5 के मल्टीपल, अब 5 के मल्टीपल होते क्या हैं। 5 के मल्टीपल होगा जैसे आपके 5, 10, 15, 20, हमने लिख तो दिया कि ये मल्टीपल है। अगर इसे हम नॉर्मल भाषा में समझे तो नॉर्मल भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए कि मल्टीपल वो नंबर है जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो 5 के टेबल में जो आ रहे हैं वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 5 से डिवाइड होते चले जाएं। अच्छा, फैक्टर क्या है। अगर हम बात करें फैक्टर या गुणनखंड की, तो ये होता क्या है अगर समझे, तो गुणनखंड या फैक्टर क्या है। अगर मैंने जैसे लिखा 24, तो 24 के फैक्टर्स का मतलब है कि 24 को जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो आपके फैक्टर्स हो गए, और 24 जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है वो उसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। डिफरेंस समझिए, मल्टीपल क्या है, दिए गए नंबर से अगर कोई नंबर एक्स डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर एक्स डिवाइड हो रहा है तो 24 का क्या है, वो मल्टीपल है। लेकिन कोई नंबर है वाई, अगर उससे 24 डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप एक और चीज समझ सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो दिए गए नंबर से कभी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ पे 48 कह दूं तो 24 48 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, फैक्टर नहीं है ये। तो अगर मैं 24 के फैक्टर्स की बात करूं, एग्जांपल समझ लेते हैं, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 से डिवाइड होता है वो तो सबका ही फैक्टर होता है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा। ये जो नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, क्या है, फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट फैक्टर क्या है जो 24 को डिवाइड करता है, तो वो हो जाएगा हमारा 24। सही बात है, जो फैक्टर सबसे बड़ा इन्हें डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, वो 24 है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसके साथ एक और नंबर लिख लेता 36, ठीक है, अगर मैं इसके साथ एक और नंबर लिख लेता, अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे, क्या करे, इन दोनों को डिवाइड करे, यानी इनके दोनों के फैक्टर्स में आए। अब देखिए यहां पे अगर मैं 36 के फैक्टर्स लिखता तो 36 के फैक्टर क्या हो जाते, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। अब देखिए यहां पे क्या लिखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, बड़ा हो और फैक्टर्स में आ रहा हो। अब दोनों नंबर्स में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है, क्योंकि 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब इसी तरीके से मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन, जितना बड़ा नंबर हो उसके मल्टीपल में आ जाए। सही है बात, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल कोई भी चीज जो उसके टेबल में आ रही हो, और फैक्टर क्या है, जिससे वो नंबर डिवाइड हो रहा हो। तो ये तो हो गई बात हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब देखिए अगर कोई नंबर हमें 2-3 दिए जाते हैं तो उनके हम क्या करेंगे, मल्टीपल या फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जल्दी से सोच अप्रोच लगाते हैं ना। अब देखो जल्दी से अप्रोच लगाने के लिए मान लो मैंने आपको दिया 36, अभी 36 लिया तो कोई नंबर दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 18, 16 और 12। ठीक, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है, तो बचपन में हमने पढ़ा था एक बेसिक ट्रिक, हम क्या करते थे, इस तरीके से वैल्यू बना लेते थे, हम इसे 2 से डिवाइड करते थे, 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ये 8 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया,
तो ये 9 कहीं जाएगा नहीं, ये कितने से जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4 क्योंकि अकेला है और कोई 2 का मल्टीपल नहीं है, आप 4 से पूरा डिवाइड कर देंगे। जब आप 4 से पूरा डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 1 3। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे फिर 3 आएगा, 1 1, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। ये आप एक बेसिक अपना बनाते थे। अगर आपको मल्टीपल चाहिए होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप सारे टर्म्स को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48, और 48 × 3 = 144। तो मेरा एलसीएम जो है यहाँ पर 144 आएगा। आप देखो एलसीएम का मतलब मैंने कहा कि दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो, तो आप देखो 144 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कई लोग लिख रहे हैं 72। देखिए अगर मैं 72 की बात करूँ तो 72 आप देखिए क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, इसलिए 72 नहीं 144। बिल्कुल लोगों का आंसर आया 144, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ SCF की, अब SCF मैंने आपसे क्या बताया, जो सब में आए, अब सब में कौन सा नंबर है, 2। अब 2 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो हर नंबर को डिवाइड कर रहा हो, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 2। ये तो बेसिक तरीका हो गया आपका LCM और SCF याद करने का, सही है। अब बात करते हैं कि आजकल हम क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं कोई भी नंबर का LCM या SCF ज्ञात करने के लिए। अब मैंने बात करी यहाँ पे, अभी वही नंबर ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने लिखा था 18 16, मान लेते हैं 24, ठीक 18 16 24, कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लिया हमने 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन्हें प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के पावर और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। प्राइम नंबर्स के पावर या प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। 18 का मतलब हो गया आपका 2 की पावर 1, सही है, और 3 का स्क्वायर, सही है। कई लोगों का आंसर आ रहा है 2, हाँ बिल्कुल SCF 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे संजीव जी कह रहे हैं एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर होते हुए भी बड़ा क्यों होता है। देखिए आप बात नहीं समझ रहे, एक फैक्टर है और एक मल्टीपल है, एलसीएम कॉमन फैक्टर नहीं मल्टीपल होता है। अगर आप कोई भी टेबल चला रहे, देखिए मैंने आपसे कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो नंबर है वो उसका गुणनज्य यानी उसके टेबल में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कोई नंबर 4 से डिवाइड करना है तो वो 4 के टेबल में आ रहा है, 4 × 1 = 2, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। पर अगर मैं 4 का लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछूँ, यानी ऐसा नंबर जिससे 4 डिवाइड हो रहा हो, 4 उसे डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 उससे डिवाइड हो रहा हो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सही है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, 16 की बात करें तो ये तो हो जाता है 2 की पावर 4, 24 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। हमने क्या किया, 2 और 3 जो प्राइम नंबर्स थे उनकी पावर के फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हमें एलसीएम चाहिए, अगर एलसीएम चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब एलसीएम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे जो सबसे बड़ी पावर वाले प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है। तो यहां पे आप देखिए 2 की पावर 4 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 2 के फॉर्म में, ठीक है, और 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है यहां पर, ठीक, 3 के प्राइम नंबर में सबसे बड़ा क्या है, 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 16 2 की पावर 4 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 16 × 9 करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 144। हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर आ रहा है 144, ग्रेट। चलिए मतलब इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब SCF भी देख लेते हैं, कई लोग SCF भी लिख के भेज रहे हैं, वेरी गुड। देखिए अब SCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम लीस्ट वैल्यू देखते हैं प्राइम नंबर्स की जो सब जगह आ रही है। अब लीस्ट वैल्यू जो प्राइम नंबर्स की सब जगह आ रही है वो कौन सी है, आप देखिए 2 सब में आ रहा है और उसकी लीस्ट वैल्यू है 2 की पावर 1, यानी यहाँ पे SCF हो गया 2 की पावर 1, सही है। यहाँ तक किसी को डाउट है LCM SCF के कॉमन जो वैल्यूज हैं उसमें, मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा, ये सबने पढ़ा होगा, एक बार हम लोग ने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं इसके सवालों की तरफ। अगर हम सवालों की तरफ देखें तो इसका एक बेसिक सवाल है, उसके बाद इसका लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे, सही है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द LCM ऑफ 12 16 18 एंड 21। क्या कह रहे हैं, 12, 16, 18 और 21 का आपको LCM चाहिए। आप कैसे निकालेंगे जल्दी से हम लोग, देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4,
18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 21 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अगर हमें एलसीएम चाहिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले टर्म लिखेंगे यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक, और 7 की पावर 1। देखो 18 में आता है 3 की पावर 2, 9 का 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 की पावर 1 होता है 7। 16 इंटू 9 होता है 144 और 144 इंटू अगर हम 7 कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8001। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए, इतनी बात में किसी को डाउट है? नहीं है, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश जी का आंसर आ गया 1008, लाफ्टर क्लब जी का आंसर आ रहा है 336। चलिए एक बार आप फिर से उसे चेक कर लीजिएगा, आपने शायद उसमें कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं किया होगा इसलिए आपका आंसर 336 आ रहा है। आप उसमें एक 3 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए, आंसर आपका 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट सवाल की। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का हमारा आंसर आ रहा है, नॉट गॉट इट लिखा है प्रियंका जी ने। देखिए प्रियंका जी यहाँ पे आप देखिए 12 का हमने, आप देखिए यहाँ पे आप जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, ऊपर से एक बार रिवाइज देख लीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर आपको कहाँ दिख रही है, 2 की हाईएस्ट पावर आपको 16 में दिख रही है, तो आप मान लेते हैं कि 2 की पावर हाईएस्ट 16 ही होगी, है ना, मल्टीपल में। अब देखिए इसके बाद 3 सब में दिख रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 18 में 9, 3 का स्क्वायर दिख रहा है तो हाईएस्ट वैल्यू 3 के मल्टीपल में जो आ सकती है वो है 9, और 1 21 में आपको 7 और दिख रहा है। आप सिर्फ इन 3 टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, आपका 1008 आ जाएगा। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू का क्या अप्रोच होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो है आपका फाइंड द एससीएफ ऑफ 48, 90, 120 एंड 168। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अप्रोच क्या होगी जल्दी निकालने के लिए। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है एससीएफ 1 आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 6 आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम उसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं गौरव जी कह रहे हैं बढ़िया ठीक है सर, थैंक यू गौरव जी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 48, 90, 120 और 68। 48 का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 यानी 2 के पावर के फॉर्म में लिख लिया। 90 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 5, सब प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में आ गया। 120 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू 5, सही। 68 को लिख सकते हैं हम 6 लिख रहा हूँ, 168 है ये आपका 3 से चला जाएगा, ठीक, और किससे जाएगा, 8 से जाएगा, सही। अब देखिए यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या, हमें एस सी एफ चाहिए तो हम लीस्ट वैल्यू देखेंगे, तो लीस्ट ऐसा नंबर जो सब में आ रहा हो, तो आप देखिए 2 एक ऐसी वैल्यू है जो सब में आ रही है, सबके मल्टीपल में आ रही है और लीस्ट वैल्यू उसकी 2 है। इसी प्रकार से 3 सब में आ रहा है और उसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, 3 है, 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, पर हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हर फैक्टर में नहीं आ रहा है और आंसर हो जाएगा 6। ये आपका बेसिक मेथड हो गए सॉल्व करने के एससीएफ को। अब एससीएफ का इसी प्रकार से एक टफ लेवल पे भी सवाल आता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे कई कैंडिडेट्स के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग के आंसर आ रहे हैं। अभी जो बेसिक चल रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक, उसको हम बढ़ाते आएंगे। एक यहाँ पे आरती जी पूछे सर 48 को हमने 12 इंटू 4 क्यों नहीं लिखा, हमने कहा हम उसे प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। आप देखिए 12 जो है ये खुद 2 प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो हमने ये जो 2 की पावर 2 है उसे 4 के साथ ले लिया क्योंकि ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल में है, ठीक है। चलिए थैंक यू, यहाँ पे दीपेंद्र जी कह रहे हैं ब्रिलियंट गोइंग सर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है एससीएफ का वो आता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं उसी मेथड पे चलता है, पर उसे कैसे करते हैं सॉल्व वो देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए हैं 72 और 90, अगर 72 और 90 का सॉल्व करना है तो हम उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर हार्ड प्रॉब्लम दीजिए, बिल्कुल इसके बाद आपके लिए बिल्कुल हार्ड प्रॉब्लम लाएंगे जो आप लोगों ने, बहुत ही कम लोगों ने इसको शायद पढ़ा हो,
एक बार पेपर में आया है और उसका टफेस्ट लेवल माना जाता है उसको, ठीक है, हार्डेस्ट सवालों में से अगर वो आपको आता है तो ग्रेट। चलिए अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, हम बड़े वाले नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे जैसे डिवीजन करते थे। अब 72 से ये एक बार जाएगा और 72 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका 18 आएगा। अब जो हमारा 18 है वो अगली प्रोसेस के लिए हमारे भागफल का काम करेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे किसका काम करेगा, अगले नंबर के डिवीजर का काम करेगा। और जो हमारा पहले डिवीजर था यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये जो 72 है वो हमारा पहले डिवीजर था, वो अब हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, यानी ये 72 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 18 से 72 जाता है कितने टाइम्स, फोर टाइम्स, ठीक है। अब मैं इसको 72 से डिवाइड करूँ, 72 टाइम्स चला जाएगा और आपके रिमाइंडर खत्म, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर जीरो आता है तो यहाँ पे हमारा एस सी एफ 18 हो जाता है। आप नॉर्मली भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 72 और 90 दिख रहा है, आपको पता है 72 का मतलब हो जाएगा 18 × 4, ठीक है, और 90 का मतलब हो जाएगा 18 × 5, 18 18 दोनों जगह कॉमन है, आप एस सी एफ 18 बता सकते हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड बताया। अब इसको बताने का रीजन क्या है, यहाँ पे कई लोगों के आंसर 4 आ रहे हैं, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर देखिए 90 और 72, ठीक है, 90 और 72 इसे करना है हमें डिवाइड, तो कैसे करेंगे, यहां से ये यह जाएगा कितनी बार, वन टाइम, यहां पे आपका 72 आ जाएगा और 18 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये जो रिमाइंडर है वो अगली बार डिवाइड करने के लिए प्रयोग होगा, यानी भाजक का काम करेगा। आप किसको डिवाइड करेगा, जो हमारा पहले नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था वो 72 हो गया, कितनी टाइम्स जाएगा, फोर टाइम्स जाएगा, 72 आ जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जीरो आता है तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर को हम एस सी एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिफिकल्ट लेवल है वो कैसे आता है, अब ये आपके सामने एक डिफिकल्ट लेवल का इसका सवाल है, जल्दी से इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए, जब तक मैं इसको कुछ लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं और उनको क्लियर कर देता हूं सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है व्हाइल फाइंडिंग द एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स विथ लॉन्ग डिविजन मेथड, यानी इससे पहले जो आपको हमने डिविजन मेथड सिखाया है, अगर हम उस लॉन्ग डिविजन मेथड से दो नंबर का एस सी एफ निकालते हैं तो वो तीन बार जलता है और वहां पे जो क्वोशेंट है वो आपका आता है 313, और जो आपका लास्ट डिविजर है वो आता है 6, यानी आखिरी बार जिससे डिवाइड हो रहा है वो आपका 6 आ रहा है। फाइंड बोथ दी नंबर्स, अब वो कह रहे हैं अब दोनों नंबर आप ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका लॉन्ग डिविजन मेथड चल रहा है जिसमें आपके जो जिनसे डिवाइड हो रहा है क्वोशेंट आ रहे हैं वो 313 आ रहे हैं, डिविजर जो लास्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है, यानी ये जो प्रोसेस है वो उल्टी चल रही है। गौरव सर कह रहे हैं सर हिंदी में, तो हिंदी में गौरव जी मैंने आपके लिए ट्रांसलेट किया था, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ कि किसी भी संख्या दो संख्याओं का मासापा जटिल विभाजन तरीके से निकालने पर उसके ऊपर से अंत की तरफ जो भागफल आएंगे वो है 313, इसका आखिरी भाजक 6 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सही है, हिंदी में आपके लिए हमने ट्रांसलेट कर दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगली बार कोशिश करेंगे हम लोग हिंदी में भी सवाल वहीं पे लगा दें। अब देखिए इस प्रोसेस को, अगर हम प्रोसेस को चलाएं तो ये प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें मानना पड़ेगा नंबर जो एक्स था 8 टाइम्स हमने किया, अब वो पहली बार 3 से जाता है, एक्स से हो जाता है, ठीक है, यहां से आपका कुछ रिमाइंडर आएगा वाई, अब ये वाई से आपने एक्स को डिवाइड किया, ये 1 टाइम्स जाएगा, यहां पे y1 आएगा, y इन टू 1, यहाँ से आपका रिमाइंडर 6 आएगा क्योंकि लास्ट स्टेप में आपसे क्या कह रहे हैं डिविजन 6 हो जा रहा है, उसी से डिवाइड होगा। अब ये y को आपने डिवाइड किया, ये 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी 6y, ठीक, सॉरी 18, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्रोसेस अगर हम इस तरीके से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इस प्रोसेस को हम इजी वे में करने के लिए क्या अप्रोच लगाते हैं, हमें पता है आखिरी बार जब ये जाता है तो कितने से जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 6 × 3 कर देंगे। अच्छा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तभी ये लास्ट डिवीजन एंड हो पा रहा है, वरना डिवीजन एंड नहीं होता, प्लस 0, तो हमारा जो लास्ट नंबर है वो 18 हो जाएगा। याद है एक फॉर्मूला आप लोग को हम लोगों ने डिवीजन डिवीजन में पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था कि हमारा जो क्वोशेंट है, ठीक
ठीक है, अगर उसमें हम डिविडेंड का मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर कर दें डिविजर का, तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। क्या आ जाता है? डिविडेंड आ जाता है। क्या कह रहे हैं हम क्वेश्चन में? अगर आपका डिविडेंड निकालना है तो क्या करना है? कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हमने यही यहाँ पे यही किया। आपका जो डिविजर है लास्ट वो 6 है, इसका जो कोशेंट आ रहा है वो 3 है, और रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो एंड हो पाएगी प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया 18। अब ये जो 18 है वो क्या हुआ? आपका वन टाइम गया और रिमाइंडर कितना दिया था इसने? 6 दिया था लास्ट प्रोसेस में। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 24। इसी प्रकार से 24 से कितनी बार वैल्यू गई थी? 3 बार, और आपका रिमाइंडर कितना आया था? 18, और वैल्यू हो गई 90। तो ये जो लास्ट 2 नंबर आ रहे हैं वो हमारे नंबर हो जाएंगे। अब देखो ऐसे हमने लिख दिया तो समझ में नहीं आया होगा, हमें भी पता है ऐसे आंसर समझ में नहीं आया होगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो बिल्कुल उल्टा इसी प्रोसेस को चलाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 और 90 दो नंबर आए थे हमारे, हमने माना 90 पहला नंबर था, 24 दूसरा नंबर था। अब देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 24 दिया कितना होता है? 72। रिमाइंडर हमारा बचेगा 18, सही है? 18 से अब हम क्या करेंगे? 72 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 18 से हम किसको डिवाइड करेंगे? सॉरी 90 और 24 तीन बार, 72 और 18 बचा। अब 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार, 18, 6 रिमाइंडर बचा, और इस 6 को से हम 18 को डिवाइड करेंगे, तीन बार जाएगा, 18 आ जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए जो लास्ट डिविजर है वो आपका 6 आया, जो आपका ऊपर से नीचे कोशेंट की वैल्यू है वो क्या है? 3, 1, 3, सही है? तो हमने क्या किया, इस रिवर्स प्रोसेस को हमने वहां पे लिखा किस प्रकार से, कि 6 से नंबर 3 बार जाएगा, 6 × 3, और रिमाइंडर कितना आना था? 0। तो हमारे पास नंबर आ गया 18। तो ये जो 18 आया है हमें पता है इससे पहले वही रिमाइंडर आया होगा, सॉरी इससे पहले वही नंबर से डिवाइड किया गया। अब ये उसी नंबर से डिवाइड किया गया कितनी बार? एक बार, और उस वक्त रिमाइंडर आ रहा था 6, इसलिए वो लास्ट रिमाइंडर की तरह यूज हुआ, सही है? तो यहां पे आपका आ जाएगा 24। अब ये 24 तब आ रहा है जब कोई नंबर था 3 बार डिवाइड किया और रिमाइंडर दे रहा था 18, और यही आपका लास्ट नंबर जो आया वो एक नंबर हो गया, और जो उससे पहले हमारा 24 आया था वो दूसरा नंबर हो गया। अब मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कई लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन से भी जल्दी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऑप्शन से जल्दी। ये एक वो प्रोसेस है जो हमने आपका क्लियर कर दिया कि अगर ऐसे सवाल आए तो हम इसे कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो बिल्कुल आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर जल्दी भी करना है तो भी इससे जल्दी हो जाएगा। अगर आप हिट एंड ट्रायल में 4 ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे 3 ही बार कैलकुलेशन करनी है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की जब भी बात होती है तो हम क्या अप्रोच लगाते हैं? अगर हमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं। कहने का मतलब है अंश का लासापा ले लेते हैं और हर का मासापा ले लेते हैं। अगर हमें कभी भी किसी एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना है, क्या करते हैं? लासापा ले लेते हैं किसका? अंश का, और हर का क्या ले लेते हैं? मासापा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं गॉट इट सर, क्लियर सर, बहुत सही। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट की बात करें तो एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक, एचसीएफ में क्या होता है आपका? इसी का फॉर्मूले का एक रिवर्स फॉर्म में आ जाता है, यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो गया? पहले एलसीएम था न्यूमरेटर का और एचसीएफ था डिनोमिनेटर का। अब एचसीएफ में क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, सही है इतनी बात? यहाँ पे अभिषेक जी लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ एन एचसीएफ ऑफ डी, बिल्कुल आपने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, वेरी गुड, ऋषिकेश जी भी दे रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला सबको पता है, क्लियर है, वेरी वेल एंड गुड। अब बात करते हैं इस प्रकार के अगर सवाल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा इस तरीके का कि व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 11/16
10 बाय 9, 13 बाय 12 एंड 2 बाय 3, यानी कि आपको दी गई संख्याओं का लासापा निकालना है। अब लासापा निकालने के लिए फ्रैक्शन का हमने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू उसका एलसीएम चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम जल्दी से निकल सकता है 11 इंटू 13 इंटू 10। अब कई लोग कहेंगे दो क्यों नहीं लिया, क्योंकि दो जो है ऑलरेडी 10 में आ जाएगा, तो 11 इंटू 13 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा 1430। जल्दी करने के लिए डिवाइड बाय, अब हमें नीचे वाले नंबर का एससीएफ देखना है। देखो सबसे छोटी नंबर है 3, अब 3 एस का ऐसे मल्टीपल देख लो जो सब में आ रहा हो, तो 3 का मल्टीपल सब में आ रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा 3 ही आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1430 डिवाइड बाय 3, ये आपका एलसीएम आ गया। सही है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें। देखिए यहाँ पे क्या है, 11 खुद में प्राइम नंबर था, 13 भी खुद में प्राइम नंबर था, 10 2 इंटू 5 है, 2 यहाँ पे था, तो हमने सीधे क्या किया 11 इंटू 13 इंटू 10, वहां से हमारी वैल्यू आ गई 1430। यहां पे हमने कॉमन फैक्टर देखा, 3 सबसे छोटी वैल्यू थी तो 3 सब में आ रहा था, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा था कॉमन, तो हमारा आंसर आ गया 1430 डिवाइड बाय 3। और हम देख सकते हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर आने लगा है, तो उम्मीद करते हैं सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ठीक है तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई एलसीएम जब आपका फ्रैक्शन का आ रहा हो। अब बात करें अगर हम एससीएफ की, अगर आपको एससीएफ दिया जाए निकालने का ऐसे ही फ्रैक्शंस का, तो आपकी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से निकालने की कोशिश करिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं वेरी प्रिसाइज, थैंक यू सर, मनोज जी कह रहे हैं उनका आंसर करेक्ट आ गया, यहां पे अभिषेक जी का आंसर आ गया, प्रिया झा जी का आ गया है, बहुत अच्छे। यहाँ पे हम देख रहे हैं आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे प्रियांश जी लिख रहे हैं गेटिंग सर, वेरी गुड, तो सबको समझ में आ गया है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस प्रकार के सवाल को हम जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, एससीएफ ऑफ दिस, एससीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर देखिए 7, यहाँ पे 11, अब देखिए दो प्राइम नंबर्स आपको एक साथ दिख गए, आपको पता है अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, यानी इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में जा रहा हो सिवाय वन के, तो आपका एलसीएफ वन हो गया। बाकी आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, दो ऊपर आपने नंबर देखे प्राइम नंबर्स हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ऊपर जो एलसीएफ है वो वन है। अब नीचे एलसीएम निकाल लीजिए, अब नीचे एलसीएम निकालना है तो वैल्यू क्या हो गई 8 6 10 12, जल्दी निकालने के लिए क्या करें 8 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 8 हाईएस्ट 2 की पावर, 3 की एक पावर इधर है, 3 की एक पावर इधर है, तो 3 ले लिया, और नीचे आपका क्या रख दिया हमने 5 एक और, तो 8 इंटू 3 इंटू 5 आपका 120 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक सही 120, 1/120। हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर आ रहा है, कुछ योगेश जी अभी 7/120 लिख रहे थे, योगेश जी 7 नहीं आ सकता, देखिए 11 का कोई भी फैक्टर 7 नहीं होता, आपकी बात सही है कि 7 में है 11, ये है, अब 21 को हम 3 × 7 लिख सकते हैं, 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर ये जो 11 है इसमें जो आपकी वैल्यू है उसमें 7 नहीं है, इसलिए यहाँ पर एससीएफ में 7 नहीं एक आएगा। उम्मीद करते हैं आपका जो डाउट था 7 वाला लेकर वो खत्म हो गया होगा। सर ज्योमेट्री की क्लास कब होगी, सर पूछ रहे हैं, बिल्कुल सर ज्योमेट्री की क्लास अभी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, एक आपके साथ बेस क्रिएट कर रहे हैं कि आपको हमारा समझाने का तरीका और हमें आपको समझाने का तरीका पकड़ में आ जाए, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए हम लोगों में अच्छे से बेसिक चैप्टर्स के साथ, तब चलेंगे टफ और हार्ड कोर चैप्टर्स की तरफ, जैसे आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, ऐसे चैप्टर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली, एक एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे, वहां से आपकी क्या अप्रोच है, क्या सवाल जल्दी सॉल्व होंगे उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, हाउ सर, अब अभी बताया था सर, देखिए ऊपर आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, आपको ऊपर कॉमन फैक्टर से 1 है और नीचे आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम नीचे का आपका आप लेंगे तो 120 आ जाएगा, आंसर 120 हो जाएगा, क्योंकि एससीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का लासापा और अंश का मासापा,
क्लियर है बात, सबको समझ में आ गया सर? एलजेब्रा की क्लास बिल्कुल चलेगी आपको, अगर अभी एलजेब्रा की अभी क्लास थोड़े दिन में हम चालू करेंगे, जब तक अगर आप एलजेब्रा पढ़ना है तो कुछ ट्रिक्स हैं एलजेब्रा की जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स हमने एलजेब्रा की डिस्कस करी है, जिनमें ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आप देख कर बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आप देखिए आपके दो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल होता है यहां पे एलसीएम एससीएफ में। पहला फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एससीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाता है, यानी आपका जो एलसीएम और एससीएफ है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, एलसीएम को अगर हम एससीएफ से डिवाइड कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आ जाता है। आप देखो ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले से आया है। अगर हम ध्यान से दें देखें तो देखिए एलसीएम इंटू एससीएफ था, ये तो सबको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है। अब हम इसको देखिए एस सी एफ इंटू ए लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो होता है, इंटू एस सी एफ इंटू बी लिख सकते हैं। तो देखिए एक एस सी एफ से एक एस सी एफ कैंसिल, ये एस सी एफ नीचे आ जाएगा तो एल सी एम अपॉन एस सी एफ बचेगा और ये ए इंटू बी बचेगा। ए इंटू बी क्या है, आपके वो रेशियोज हैं जो एस सी एफ से मल्टीप्लाई होकर आपका नंबर देते हैं। सही है, ये तो आप देखिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने 21 और यहाँ पे 24 लिखा, ठीक है, तो इनका अगर एस सी एफ 3 है तो ये दोनों नंबर इसका मतलब क्या है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू 7 और 8 बचेगी वो आपस में एक तरीके से क्या है, रेशियो है एक दूसरे के। सही है, तो इसलिए क्या हो जाता है, अगर हम एल सी एम को एस सी एफ से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स का रेशियो का अनुपात का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चल आगे बात करते हैं इन पे बेस सवाल की। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला इस पे बेस सवाल। सबसे पहला बेस सवाल क्या कह रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 693 एंड 11। क्या लासापा और मासापा दो संख्याओं का 693 और 11 है। एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 693, और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 11। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, अब कह रहे हैं उनमें से एक नंबर क्या है 77 है, दूसरा नंबर कब कब होगा, लाइव क्लास कब होती है कैसे पता चलेगा। देखिए सवाल बताते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हमसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपके हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देते हुए चल रहा है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए जब तक हम बता दें सर को। जो लाइव क्लासेस हैं वो हमारी 3 से 7 चलती हैं डिजिटल गुरुजी के नाम से, जिसमें मैथ्स का 3 से 4 का स्लॉट है, रीजनिंग आपका 4 से 5 है, GS 5 से 7 है, इंग्लिश 3 से 4 है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको और अगर लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आंसर यहाँ आ गया है, जैसे भरत जी हैं, पूना जी हैं, पल्लवी जी हैं, राहुल जी हैं, आकाश जी हैं, जिन जिनका आंसर आ गया गुड, और जिनका आंसर नाम हम नहीं ले पाए कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया वेरी गुड। चलिए अब बात करें यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 693 इंटू 11 इक्वल टू 77 इंटू एक्स। अब देखिए यहां से 11 से ये चला जाएगा 7 बार और 7 से ये नंबर चला जाएगा कितनी बार, 93, तो आपका जो दूसरा नंबर है वो 99 आ जाएगा। यहां पे आप देखिए बहुत जल्दी आप सबका आंसर आ गया, ये तो बेसिक सवाल था इसका। सही है, ऐसा सवाल पेपर में देखने को मिल जाए तो जैकपॉट है, पर ऐसा सवाल देखने को नहीं मिलता है तो कैसा सवाल देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा सवाल देखने को आपको मिलेगा जिसमें थोड़ा सा आपके साथ ट्विस्ट दे रखा हो। अब देखिए यहां पे ट्विस्ट क्या दे रखा है, द सम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 156 एंड 504। यहां पे कह रहे हैं दो संख्याओं का योग और उनका लासापा 156 और 504 है, यानी अगर हम नंबर मान लें कुछ एक्स और वाई तो उनका सम आपको 156 दे रखा है, ठीक, और वहीं पे उनका प्रोडक्ट दे रखा है एक्स और वाई का कितना, 504। अब ऐसे सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे विनीता जी कह रही है मेरा नाम तो ले लेते, जिसका नाम छूट गया कोई बात नहीं, हो जाता है, बहुत सारे नाम एक साथ आते हैं। चलिए बात करते हैं अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आप अप्रोच क्या करेंगे। मान लीजिए इन दोनों नंबर्स के जो रेशियो थे वो ए और बी थे, क्या थे, ए और बी। अगर ए में मैं एस सी एफ का मल्टीप्लाई कर देता तो वो नंबर आ जाता, और बी में भी अगर मैं उस एस सी एफ का मल्टीप्लाई कर देता तो वो नंबर आ जाता, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, 156। सही है, इसी के तरह यानी मैं लिख सकता हूँ एस सी एफ
ए प्लस बी इक्वल टू 156, सही है। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को मैं लिख सकता हूं एससीएफ ए इंटू बी, सही है। एससीएफ में अगर मैं रेशियो का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एससीएफ आ जाएगा। अब देखिए यहां से अगर मैं कॉमन चीज देखूं कि एससीएफ दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए। यहां से आप देखेंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दोनों में अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एससीएफ देखेंगे तो 12 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है वो उसका एससीएफ हो गया 12। तो अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी तो मैं 156 को क्या करूँगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13। अगर मुझे ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए थी तो मैं क्या करूँगा, 504 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42, सही है। तो यहां से हमें दो चीजें पता चल गई। रिपीट, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं रिपीट रिपीट रिपीट, तो चलिए रिपीट कर देते हैं जल्दी से। रिपीट करें तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, सम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। देखिए अगर मैं नंबर को क्या लिख सकता हूं, कोई भी नंबर है ए इंटू एससीएफ, ये नंबर लिख सकता हूं। दूसरे नंबर को मैं लिख सकता हूं बी इंटू एससीएफ, सही बात है। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 156। मैंने कहा अगर मैं एस सी एफ यहां से कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा ए प्लस बी 156 के बराबर, सही है। अगर मैं यहां पर आपका एस सी एफ दूसरी जगह लिखूं और इन टू मैं ए इन टू बी कर दूं, फॉर्मूला पढ़ा था हमने एलसीएम अपॉन एस सी एफ जो होता है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो में एस सी एफ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 504। तो आप देखिए इन दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है यानी इन दोनों का जो एससीएफ होगा वही एक्चुअल में नंबर का एससीएफ होगा। अब यहां पे अगर मैं इसको लिखता तो ये हो जाता 12 इंटू 13, और 504 को लिखता तो ये हो जाता 12 इंटू 42। तो मैंने कहा ए प्लस बी की वैल्यू यहां से आ गई 13 और ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 42। अब इसे सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 7 और बी की वैल्यू आएगी 6, या रिवर्स में मान लग सकते हैं ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7, कुछ भी आ सकता है, वो आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। क्या ये आंसर आ गया हमारा, यहाँ पे कई लोग दे रहे हैं 6 और 7, बिल्कुल नहीं, आंसर अभी कई लोगों का आ गया, बिल्कुल 72 और 84 आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल 72 और 84 आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें अभी इसमें क्या करना होगा, एस सी एफ का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी ये 7 और 6 क्या आ रहे हैं, सिर्फ रेशियो आ रहे हैं दोनों नंबर्स के, क्या आ रहे हैं, सिर्फ रेशियो आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 12 और 6 इंटू 12, यहां से आपका आ जाएगा 84 और यहां से आपका आ जाएगा 72। मनोज जी, पूजा जी, इनका आंसर 6 और 7 आ रहा है। देखो पूजा जी और मनोज जी, आप एक बात समझिए, मंजू जी, यहाँ पे 6 और 7 हमारा आंसर नहीं है, वो क्या है, ए और बी की वैल्यू, और ए और बी क्या है, हमने रेशियो लिए थे उन नंबर्स के एस सी एफ को कॉमन लेकर। तो अगर हमें वो नंबर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस सी एफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ये तो बात हो गई हमारे सवालों की जो एलसीएम और एस सी एफ पे इस तरीके से बेस्ड थी। आगे बात करते हैं, आगे आपका जो सवाल आता है वो क्या आता है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सब निकाल सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 6, 10 एंड 12 गिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्या कह रहा है, हमें वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है जो 8, 6, 10, 12 सबसे डिवाइड हो रही है। अगर वो संख्या सबसे डिवाइड हो रही है यानी वो इन सबका क्या होगा, एलसीएम होगा। छोटी सी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो रही है वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। और शेषफल प्रत्येक केस में 5 दे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब यहां पे आपने देखा 8, 6, 10 और 12 है, जल्दी से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 3 इंटू 5, 8 हाईएस्ट पावर थी 2 की, 3 हाईएस्ट पावर हमें दिख रही थी 3 की, और 5 हाईएस्ट पावर के फॉर्म में दिख रहा था 5 के। 8 इंटू 3 होता है 24, 24 इंटू 5 होता है 120। अब बात आई रिमाइंडर, अब ये 5 रिमाइंडर हम हर जगह कैसे लाएंगे। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 12 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए 12, अगर मैंने आपसे अभी बताया था कि अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात आती है तो फैक्टर्स देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, 6 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 10 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर वाले नंबर लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर आपकी 2 की पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट
पावर 3 की पावर 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 आएगा, जो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें 5 रिमाइंडर और चाहिए हर बार, यानी जो नंबर ये 120 है इससे जो नंबर है वो 5 क्या है, ज़्यादा है। अगर 5 इससे ज़्यादा होगा तभी हमारा रिमाइंडर हर केस में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 125 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात सबको क्लियर हो गई, क्योंकि सबका आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे 125 आ रहा है। जैसे यहाँ पे निखिल जी हैं, शुभ्रन जी हैं, अभिषेक जी हैं, जितेन जी हैं, विनीत जी हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप सबका आंसर आ गया है। जिनका नाम हम नहीं ले पाए कोई बात नहीं, नाम निकल गया होगा या बाद में आएगा, तो इसका कोई इशू नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल इसी में थोड़े से ट्विस्ट के साथ आ जाता है। क्या ट्विस्ट के साथ आ जाता है कि आप वो कह रहे हैं कि वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल भी हो किसी संख्या के साथ। जल्दी से पढ़ लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 गिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। यानी कोई नंबर है वो 5, 6, 7 और 8 से तो डिवाइड हो रहा है, पर शेषफल दे रहा है 3 हर केस में, और क्या हो रहा है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ऐसे नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। सीधी सी बात है, 8 × 3 × 7 × 5 कर लो। कई लोग कहेंगे 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 का मतलब है 2 × 3, उसका 2 8 में आ गया। तो अब देखिए 8 × 3 हो जाएगा आपका 24, या एक काम करते हैं यहाँ पे 8 × 5 कर लेते हैं, 40 हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 840। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 840 के प्लस 3 जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड बाय 9। अगर ये के की वैल्यू क्या है, आपकी नेचुरल नंबर होगी, और जहाँ से ये डिवाइड हो जाएगी 9 से कम्प्लीटली, वहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले के की वैल्यू हम रखेंगे 1। अब देखिए के की वैल्यू 1 रखने पे हमें पता चल गया 8, 4, 3 हो गया, तो 9 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, सीधे सीधे पता चल गया। 8 + 4 + 3 आप करेंगे तो 12 होगा, सॉरी 15 होगा, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी 843 कब आता है, जब हम k की वैल्यू 1 रखते हैं और ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 रखेंगे, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1683, और 1683 आपका 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना सबको आता होगा, 6 + 3 9, 8 और 1 9 ऐड करेंगे 18 होगा। अगर कोई भी नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इनका संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1683, सही है। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई इस तरीके के सवालों की, जो आपका इजिली डिविजिबल वाला पार्ट है। यहाँ पे सब लोगों को आंसर समझ में आ गया, हम देख रहे हैं कई लोगों का आंसर आ रहा है, जितेन जी हो गए, आकांक्षा जी हो गए, रश्मि जी हो गए, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, जितेंद्र जी का कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आ रहा है, आप देखिए 2 रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा जितेंद्र जी, इतनी बड़ी वैल्यू ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 2523 भी आंसर आ रहा है, देखिए 2523 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जब सवाल आता है, जहाँ पर आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 15, 16, 18 और 20 से डिवाइड हो रही है, और वो रिमाइंडर अलग अलग दे रहा है हर केस में, क्या कर रहा है, रिमाइंडर अलग अलग दे रहा है हर केस में, तब हमारी अप्रोच क्या होगी। कई लोगों के आंसर अभी भी आ गए हैं, ओके आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आंसर आ गया आप सबके, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 15 से डिवाइड होने पे 12 रिमाइंडर दे, 16 से डिवाइड होने पे 13 रिमाइंडर दे, 18 से डिवाइड होने पे 15 रिमाइंडर दे, और 20 से डिवाइड होने पे 17 रिमाइंडर दे। यानी हर मल्टीपल का अलग रिमाइंडर है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम सबसे पहले देखते हैं क्या सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। आप देखिए 12 और 15 के बीच का डिफरेंस 3 है, 16 और 13 के बीच का डिफरेंस 3 है, 15 और 18 के बीच का भी डिफरेंस 3 है, 17 और 20 का भी डिफरेंस 3 है। अब आपको पता है सारे नंबर का डिफरेंस क्या है, 3 है। आप जल्दी अप्रोच निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन नंबरों का एलसीएम लेंगे। अब 16, 18 और 20 का एलसीएम चाहिए, तो 16 देखिए 16 ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 16 हाईएस्ट मल्टीपल है 2 का यहाँ पर, और क्या लेंगे, 9 ले लेंगे, क्योंकि 3 का हाईएस्ट मल्टीपल 9 है, इंटू क्या करेंगे 5 कर लेंगे, ठीक है, 16 × 5 होता है 320, ठीक है, और 320 × 9 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 720, ठीक,
16, ठीक है, 16 इंटू 5 आपका हो जाएगा कितना, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 करेंगे तो 720 आपका वैल्यू आ गई। अब ये जो 720 आपकी वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये आपका वो नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। अब नॉर्मल केस में हम क्या करते थे, इसमें ऐड 3 करते थे, पर यहाँ पे हम ऐड 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऐड 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 720 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 720 में से 3 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 717। ऐसा क्यों, मन में विचार आया 3 क्यों माइनस किया। आप देखिए, अगर मैं 15 है कोई नंबर, 720 है वो 15 के मल्टीपल में है, यानी वो लास्ट टाइम जो होगा वो 15 से कितने पे से जा रहा होगा, 705, सही है, 705 और 720 का डिफरेंस है 15, क्लियर है बात। अगर मैं इस 15 में से 3 हटा रहा हूँ तभी मेरे पास 12 आ रहा है ना, तो आप देखिए 717 और 705 का डिफरेंस 12 है। हम यहाँ पे क्या है, जितनी वैल्यू का वो डिफरेंस था, अगर वो वैल्यू हम उस नंबर से कम कर दें, यानी 15 में से अगर मैं 3 कम कर दूं तो मेरे पास 12 आएगा, 16 में से अगर मैं 3 कम कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। तो जब भी ये डिफरेंस वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं, वो नंबर माइनस कर देते हैं, क्लियर रहती बात। तो यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा आज के दिन में, कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे आपका जो मल्टीपल है, जो आपका मल्टीपल है उसके बाद आपको एक कॉमन फैक्टर दे रखा है सबके लिए, तो आप क्या करते हैं, वो नंबर ऐड कर देते हैं। और अगर ऐसा नंबर आ जाए कि हर मल्टीपल का अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो क्या होगा, वो रिमाइंडर हम क्या करेंगे, सबसे माइनस कर देंगे और आज का आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था, उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो डू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं, और हमारे साथ अभी जुड़े रहिए, जल्द ही आपके रीजनिंग गुरु आएंगे डिजिटल क्लास में आपके साथ SSC की रीजनिंग देकर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।